हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल द टेक टीवी। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। एंड आज की वीडियो में हम लोग करेंगे अनबॉक्सिंग रेडमी वाई थ्री की। एंड ये रहा इसका पैकेज। एक्चुअली ये मुझे कल डिलीवर हो गया था और मैं इसकी वीडियो आज बना रहा हूँ तो थोड़ा लेट हूँ। तो कुछ इस तरीके से इसकी पैकेजिंग है। एंड जो इसकी नेक्स्ट सेल है वो है कल यानी कि 4 तारीख को दोपहर में 12 बजे। एंड ये है इसका बॉक्स। ये वाला जो वर्ज़न है ये है 3 GB और 32 GB वाला। एक और इसका वेरिएंट आता है 4 GB 64 GB। जो इसकी प्राइस है वो है 9,999 रुपये। एंड जो एक और वर्ज़न आता है 4 GB वाला, उसका प्राइस है 11,999 रुपये। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है Redmi Y3। जो इसका मेन फीचर है वो है 32 MP सेल्फी कैमरा। इसमें हमें मिलता है इंडियाज़ नंबर 1। पीछे की साइड कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, तो चलिए बॉक्स को ओपन करते हैं। थ्री में आपको 2 कलर वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, एलिगेंट ब्लू एंड एक है प्राइम ब्लैक। एंड जो ये वाला वर्जन है वो है ब्लू वाला। तो बॉक्स को ओपन करते ही हमें एक ये एनवेलप मिल जाता है। एंड इस एनवेलप के अंदर हमें सिम इजेक्टर पिन, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं। और एक हमें मिल जाता है सॉफ्ट TPU केस। तो इसके अंदर हमें मिलते हैं कुछ मैनुअल्स, पेपर मैनुअल्स ये देखिए, एंड वारंटी कार्ड्स वगैरह हैं इसके अंदर कुछ। और ये रहा हमारा सॉफ्ट TPU केस जिसकी क्वालिटी ओके है। और ये रहा हमारा मेन जो फ़ोन है ब्लू कलर में, तो इसको भी रखते हैं अभी के लिए साइड में। एंड बॉक्स में हमें मिलता है एक ये केबल, तो ये है USB to Micro USB केबल एक, ये देखिए, तो इसको भी रखते हैं साइड में। एंड ये रहा हमारा एक चार्जर का एडाप्टर, तो इसकी जो रेटिंग है वो है 5 volts 2 ampere। तो ये एक नॉर्मल चार्जर है, ये देखिए, तो इसको भी रखते हैं साइड में। और आ जाते हैं अपने फ़ोन के ऊपर। फ़ोन के ओवरव्यू की बात की जाए तो हमें नीचे की ओर मिल जाते हैं USB पोर्ट फॉर चार्जिंग और एक माइक्रोफोन और एक स्पीकर ग्रिल हमें नीचे की ओर मिलता है। एंड जो हमारा लेफ्ट साइड है वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एक सिम ट्रे। तो देखते हैं हमें इसमें हाइब्रिड मिलता है या फिर अलग से एक मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा। तो जी हाँ, इसमें हमें एक अलग से मेमोरी कार्ड स्लॉट मिला हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इसको भी अंदर कर लेते हैं। एंड अगर मैं बात करूं राइट साइड की, तो हमें इसमें देखने को मिलेगा एक ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम रॉकर्स। टॉप साइड की बात की जाए तो इसमें हमें देखने को मिलता है 3.5 mm जैक, IR ब्लास्टर और एक वॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन। तो यही थे कुछ। पीछे हमें डुअल कैमरा सेटअप मिलता है, सिंगल LED फ्लैश लाइट मिलती है। एंड यहाँ पर हमारा फिंगरप्रिंट स्कैनर है। नीचे हमें रेडमी की ब्रांडिंग मिलती है। एंड ये हमें एक पॉली रैप मिलता है, इसको हटा लेते हैं। एक्चुअली हमें पीछे भी एक इस बार ये एक प्रोटेक्शन के लिए पॉलीथीन मिलती है, तो इसको भी हम लोग हटा देते हैं। एंड आगे से भी हटा देते हैं। तो कुछ इस तरीके से इसका लुक। पीछे ये हमें एलिगेंट ब्लू कलर मिलता है। आप देखेंगे जो बीच में है वो एकदम डार्क कलर है, एंड जो साइड्स हैं वो हल्की सी लाइट कलर में है। और हल्की हल्की लाइनिंग है पूरे फ़ोन में ही, आप लोग देख सकते हैं। जैसे ही इसमें लाइट पड़ती है इसका कलर जो है वो और भी अच्छा निखर के आता है, ये देखिए। तो जल्दी से इसको ऑन कर लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ और इसके कुछ स्पेसिफिकेशन आपके साथ शेयर करता हूँ। तो फाइनली ये फ़ोन बूट अप हो चुका है। एंड इसमें आपको देखने को मिलता है 6.26 इंचेस का HD+ नॉच डिस्प्ले, और इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगी। और अगर स्क्रीन की बात करूं तो स्क्रीन के जो कलर्स हैं वो काफ़ी ब्राइट हैं, बट अगर आप इसको डायरेक्ट सनलाइट पर यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, एज इफ़ थोड़े से इसके कलर जो हैं डायरेक्ट सनलाइट में आपको अच्छे से नहीं देखने को मिलेंगे। एंड पीछे की बात की जाए तो पीछे आपको पॉलीकार्बोनेट देखने को मिलता है। रेडमी नोट 7 प्रो की तरह आपको इसमें कोई भी ग्लास बैक देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर बात की जाए इसमें कैमरास की, तो जो इसका लीडिंग फीचर है आपको फ्रंट में देखने को मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और ईयर पीस देखने को मिलता है, और
कुछ सेंसर्स भी आगे लगे हुए हैं। पीछे की बात की जाए तो आपको दो कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। जो जो पहला वाला कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का, और जो दूसरा डेप्थ सेंसिंग वाला सेंसर है वो है आपका 2 मेगापिक्सल का। प्लस आपको यहाँ पे एक LED फ्लैश देखने को मिलेगा, एंड यहाँ पे एक फिंगरप्रिंट सेंसर है। नीचे की ओर आपको Redmi बाय Xiaomi की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो अब सीधा चलते हैं इसकी सेटिंग्स में और अबाउट फ़ोन में। तो जो आपको इसमें प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632, एंड यहाँ पे आपको जो एंड्रॉयड वर्जन देखने को मिलेगा वो है एंड्रॉयड का 9। सिक्योरिटी पैच लेवल भी आपको मिलेगी फरवरी की इसमें, एंड जो MIUI वर्जन है वो भी है 10.2.1.0 स्टेबल वर्जन है। और जो इसमें रैम है वो है 3GB वाला वर्जन, और जो फ्री स्टोरेज इसमें देखने को मिलता है 32GB में से वो है 22GB का। तो ये था इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस। बैटरी की बात करूं तो आपको इसमें देखने को मिलेगा 4000mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी, एंड देखते हैं बैटरी बैकअप कैसा है, ये तो मैं इसको फुल रिव्यू में ही बता पाऊंगा। एंड अगर बात करें कैमरा की, तो कैमरा जैसे ही हम खोलते हैं तो इसमें हमें देखने को मिल जाएंगे कई सारे फीचर्स, जैसे कि शॉर्ट वीडियो, वीडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट मोड, स्क्वायर मोड, पैनोरामा, एंड एक आता है प्रो मोड। तो ये सारे इसमें फ़ीचर्स थे। और जो इसका हाईलाइटिंग फीचर है सेल्फ़ी, तो इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फ़ी सेंसर देखने को मिल जाएगा। तो आगे मैं कुछ सैंपल्स लगा दूंगा ताकि आपको इसमें आइडिया लग जाए कि ये कैसा इसका कैमरा है और सब कुछ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेरा यूज़र आईडी आ रहा होगा, जाके फॉलो कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ एक नए वीडियो में। अंटिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ़।